भवनासुर विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवी सह विधायक प्रत्याशी राम नरेश यादव ने इंजीनियरिंग पद से इस्तीफा देकर भवनासुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की चुनावी बिगुल शर्मा प्रखंड के शिव मंदिर सोंडीहा के प्रांगण में आयोजित मिलन समारोह के दौरान फूंकी। समारोह से पूर्व सोंडीहा शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अपने इंजीनियरिंग पद से इस्तीफा देकर भवनासुर विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने के लिए भाजपा सरकार की दरबार में टिकट के लिए हाजिरी लगा दिया हूँ। अगर भाजपा के आलाकमान द्वारा भवनासुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलता है तो मैं भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ूंगा। पिछले 60 वर्षों से भवनासुर विधानसभा क्षेत्र की विकास की किरण कोसों दूर है। भवनासुर विधानसभा क्षेत्र के चहुमुखी विकास को लेकर अपने नौकरी से रिजाइन मारकर आप लोगों के बीच आया हूँ। अगर आप सबों की आशीर्वाद मिला तो आप सभी का हक अधिकार आप सबों तक पहुँचाना ही मेरा पहला प्राथमिकता होगा। उन्होंने कहा कि हमारे समाज की अधर पढ़ाई, दवाई व कमाई जैसी चीजों की कमी है, जिसके कारण भवनासुर विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। सभा की अध्यक्षता लालजी राम और संचालन रमेश यादव ने किया। इस मौके पर मुद्रिका यादव, विजय यादव, दशरथ बैठा, सुबोध यादव, चंद्रकांत यादव आदि लोग मौजूद थे। और नेताओं के पीछे दौड़ जाते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है, देखते हैं कौन कितना खर्च कर सकता है, कौन कितना गाड़ी लेकर चलता है, कौन कितना बाहुबली है, और हम उसके पीछे घूम लेते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं वो काम नहीं करता है। तो मेरे समझ से ये हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है। मैं नहीं कह रहा हूं आप हमें बोलते हैं, लेकिन हम समझे इस समस्या का समाधान हमारे पास है, हमारे वोट में है। अगर हम उसका सदुपयोग करेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा। अब क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए मैं क्या सुनता हूं और मैं क्या करना चाहूंगा। सबसे पहला चीज है कि आज देखिए अकाउंटेबिलिटी की बहुत कमी है, जिम्मेवारी की बहुत कमी है। आप एक बार चुनाव में वोट देके भेज दिए, जिसको भी भेजे, मुखिया से लेकर एमपी तक की वही बात है। उसके बाद आपके पास निराकरण से अंकुश लगाने का कोई साधन नहीं। मैं चाहूंगा कि एक गैर राजनीतिक संगठन बना, जिसमें आपका संगठन समाज का संगठन हो, राजनीतिक संगठन नहीं हो, मेरा संगठन ना हो, उसमें आप हो और प्रत्येक 3 महीना में एक संगठन के रूप में आप जानकारी रखें कि आखिर हमारे मुखिया से लेकर एमपी तक उनको क्या संसाधन गवर्नमेंट को उपलब्ध कराई है जो कि हमारे गांव पे या हमारे क्षेत्र में या हमारे समाज में। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।